हेलो एवरीवन, मैं अमित कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल जेट टू वाई ट्यूटोरियल्स में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने फिजिक्स का पहला चैप्टर जो कि है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक बातें जान लें जो कि रिलेटेड है चार्जेस के बारे में। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। चार्जेस, बेसिकली जो है वो चार्ज दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज को हम जो है वो प्रोटॉन बोल देते हैं और नेगेटिव चार्ज को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दोनों चार्जों का मैग्नीट्यूड सेम होता है जो कि है 1.6×10⁻¹⁹ कूलम। ये क्या है, ये चार्ज का मैग्नीट्यूड है जो प्रोटॉन भी अपने पास रखता है और इलेक्ट्रॉन भी अपने पास रखता है। प्रोटॉन में यहाँ पॉजिटिव लग जाएगा और इलेक्ट्रॉन में यहाँ पे नेगेटिव साइन के साथ आता है वो। खैर, उसको हम ज़्यादा कंसीडर नहीं करते हैं यहाँ पे, बस माइंड में ये रखना है कि इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नीट्यूड है वो 1.6×10⁻¹⁹ कूलम होता है। अगला इसी में है और वो है जो है चार्ज हमेशा क्वांटाइज्ड फॉर्म में होता है, या फिर हम उसको बोल सकते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब है कि ये जो है वो हमेशा इंटीग्रल फॉर्म में रहता है। किस फॉर्म में रहता है, इंटीग्रल फॉर्म में। इसका मतलब क्या है समझ लेना एक चीज, देखो इलेक्ट्रॉन जो है वो फर्दर डिवाइड नहीं होगा। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है और वो है, चार्ज है वो है 1.6×10⁻¹⁹ कूलम। तो जब भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है तो इलेक्ट्रॉन या तो एक फ्लो होगा या दो फ्लो होगा या तीन फ्लो होगा। कभी भी 1.5 इलेक्ट्रॉन या 2.5 इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होगा। तो हम अगर क्वांटाइजेशन की बात करेंगे तो सिंपल बोलेंगे कि ये क्या है, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ चार्ज है। क्या है ये, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ चार्ज। ये दूसरा प्रॉपर्टी हो गया चार्ज का। थर्ड देखते हैं हम, थर्ड में क्या होता है कि चार्ज जो है वो अट्रैक्ट करते हैं और रिपेल करते हैं। चार्ज अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर। इसमें क्या होता है, ध्यान से देखना, अगर हमारे पास दो चार्ज है और दोनों पॉजिटिव चार्ज है, एक का नाम दे दिया हमने Q1 और दूसरे का नाम दे दिया Q2, ये दोनों चार्ज क्या है, सिमिलर है, मतलब लाइक चार्जेस हैं। तो ये दोनों जो हैं एक दूसरे को रिपेल करेंगे, रिपेल मतलब दूर फेंकेंगे। और अगर यहीं पे एक पॉजिटिव चार्ज हो और एक नेगेटिव चार्ज हो तो यहाँ पे क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। ध्यान देना, यहाँ पे रिपल्सन होगा और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो है आपका वो अट्रैक्शन होगा। तो तीसरा पॉइंट चार्ज के बारे में, चार्ज जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं और रिपेल भी करते हैं, डिपेंड करता है कि चार्जेस सिमिलर हैं या डिससिमिलर हैं। अगला पॉइंट है हमारे पास, देखो यहाँ पे, अब ये दो चार्ज जो है वो किसी, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस है और डिस्टेंस को हम यहाँ डिनोट कर रहे हैं आर से। तो ऑब्वियस सी बात है कि इन दोनों चार्ज के बीच में कोई ना कोई फोर्स होगा। और हमने पढ़ा भी है ग्रेविटेशन में कि दो बॉडी के बीच में हमेशा क्या लगता है, फोर्स लगता है। तो यहाँ इलेक्ट्रिसिटी में भी दो चार्ज के बीच में फोर्स लगेगा और उस फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा वो देख लो। फोर्स जो है वो बराबर होता है के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। सेम है ग्रेविटेशन की तरह, बस वहाँ दो बॉडी थे और यहाँ पे दो चार्ज हैं। और चार्ज कैसे हैं, तो ये जो चार्जेस हैं वो पॉइंट चार्ज हैं। क्या है वो, पॉइंट चार्ज हैं। इस फॉर्मूला को नोट कर लीजिएगा आप, ये R जो है वो इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है। R क्या है,
डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, आपका Q1 और Q2 इनका वैल्यू होगा जो भी आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, और ये है कांस्टेंट। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोलते हैं इसको, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चार्ज को हम डिनोट करते हैं डिनोटेड बाई क्यू। चार्ज को हम किससे डिनोट करते हैं? क्यू से। इसका यूनिट होता है यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम्ब, और इसको हम डिनोट करते हैं सी से। क्या है? चार्ज को हम डिनोट करते हैं क्यू से, और चार्ज का ऐसा यूनिट हम बोल सकते हैं क्या होता है? कूलम। तो ये था कुछ बेसिक बातें चार्जेस के बारे में। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी। चलो अब हम क्या स्टार्ट करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और दूसरा है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी। देखो स्टैटिक में हम क्या पढ़ते हैं? स्टैटिक में हमें जो पढ़ना है वो है चार्जेस एट रेस्ट, मतलब कि इसमें इलेक्ट्रॉन का मोशन नहीं होगा। लेकिन करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमें क्या पढ़ना है? चार्जेस इन मोशन, मतलब कि यहां पे करंट इलेक्ट्रिसिटी का सिंपल सा हम बोल सकते हैं डिफिनेशन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी को दो भाग में बांटा गया, स्टैटिक और करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक में चार्जेस जो हैं वो रेस्ट में रहते हैं, और करंट इलेक्ट्रिसिटी में चार्जेस जो हैं वो मोशन में रहता है। और हमें अभी इस क्लास में डील करना है करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो अब हम हेडिंग लगाएंगे अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी। चलो हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक करंट। स्टार्ट करते हैं डिफिनेशन के साथ। तो डिफिनेशन नोट करेंगे हम लोग। इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। यहां एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहां रेट का मतलब है टाइम, और चार्जेस जो है इसका मतलब है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सबसे मेन चीज यहां पे है चार्जेस का मतलब क्या है। यहां पे बेसिकली हम डील करेंगे इलेक्ट्रॉन्स के साथ। क्लियर है? हम इसको डिनोट करते हैं डिनोटेड बाई कैपिटल आई, डिनोटेड बाई कैपिटल आई। एसआई यूनिट ऑफ करेंट इज एम्पियर, एसआई यूनिट ऑफ करेंट इज एम्पियर। टू मेजर, अगर किसी सर्किट में हमें करंट मेजर करना हो तो हम क्या यूज करेंगे? हम यूज करेंगे एम मीटर का।
टू मेजर करेंट इन अ गिवन सर्किट वी यूज एमीटर। और एमीटर जो है हमेशा एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। चलो इलेक्ट्रिक करंट जो है उस डिफाइन किया गया है कैसे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, इसको हम डिनोट किससे करते हैं, आई से। और ऐसा यूनिट ऑफ करंट क्या होता है, वो है एम्पियर। अगर हमें किसी सर्किट में करंट को मेजर करना हो तो हम क्या यूज करते हैं, एमीटर। और सर्किट में इसे हम हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ये सीरीज और पैडल कॉम्बिनेशन हम पढ़ेंगे फर्दर आगे, वो आएगा धीरे धीरे अभी। अब देखो थोड़ा सा फॉर्मूला निकाल लेते हैं हम यहां से, ध्यान दीजिएगा। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो हम करंट क्या लिख सकते हैं, आई इक्वल टू क्यू बाई टी। ये है इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला। अगर आपको चार्ज थोड़ा सा याद होगा तो चार्ज जो है वो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर, इसको स्मॉल एन लिखेंगे हम। चार्ज जो है वो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर, जहाँ पे कि एन जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू है या इंटीग्रल वैल्यू है, वन से वन टू थ्री फोर एंड सो ऑन। और ये जो स्मॉल ई है इसका वैल्यू है 1.6 इंटू 10 रेस टू पावर माइनस 19 कूलम। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, हम क्यू के जगह पे क्या लिख सकते हैं, एन ई। तो यहाँ से एक और फॉर्मूला बन सकता है, हम लिख सकते हैं आई इक्वल टू एन ई बाई टी। ये दूसरा फॉर्मूला इलेक्ट्रिक करंट का, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। हमारे पास दो फॉर्मूला आया था, जो हमने कहा था आई इक्वल टू क्यू बाई टी, या फिर आई इक्वल टू एन ई बाई टी, जहाँ पे कि एन जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू है, जो कि वन टू थ्री फोर एंड सो ऑन चलता रहेगा। ई जो है वो चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन है, जो कि 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 कूलम्ब होता है, ठीक है। टाइम आपको गिवन होगा, तो हम चाहें तो इस फॉर्मूला से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक कूलम्ब में कितना इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो कर रहा है। अब एक चीज हम यहाँ पर ध्यान देंगे, ध्यान से देखिएगा, एक छोटा सा न्यूमेरिकल यहाँ पे हम कर लेते हैं। चलो हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, पहले उसको देख लेते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग वन कूलम्ब ऑफ चार्ज। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले सबसे अच्छा टेक्निक है, और वो ये है कि हम जो है जो डेटा है वो उसको पहले नोट डाउन कर लेते हैं। हमें निकालना क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि हमें n निकालना है। उसके बाद गिवन क्या है, कॉन्स्टिट्यूटिंग वन कूलम्ब ऑफ चार्ज, हमें चार्ज गिवन है, q दिया हुआ है वन कूलम्ब। हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होता है, तो वो 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 कूलम्ब। और हमसे पूछ क्या रहा है वो, कि एक कूलम्ब चार्ज अगर फ्लो हुआ तो कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो किया। तो सिंपल सा फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा सकते हैं, और वो फॉर्मूला क्या होगा, वो फॉर्मूला होगा Q इक्वल टू एन ई। हमारे पास Q गिवन है, हमें N निकालना है, और हमारे पास चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी गिवन है। तो Q के जगह पे हम क्या लिखेंगे, वन कूलम्ब,
इक्वल टू एन इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 कूलम। तो हमें यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे 1 कूलम डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 कूलम। सी से सी कैंसिल। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको जो है वैल्यू देगा और वो वैल्यू होगा 6.25 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 10 रेज टू पावर 18। तो आप देख रहे हैं कि अगर एक कूलम्ब चार्ज फ्लो हुआ है तो उसमें इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए हैं, फ्लो हुए हैं। क्लियर है ये? अगर एक कूलम्ब चार्ज फ्लो हुआ है तो उसमें इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हुए हैं। हमारे पास एक चीज मैं मिस कर गया था, फिर से देखिएगा। SI यूनिट जो है ऑफ करेंट इज एम्पियर, और इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल A से। अगर मुझे कोई बोला कि क्या इसका कोई और फॉर्म है जिसमें हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो हाँ, एक और फॉर्म है जिसमें हम करंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और वो है कूलम्ब पर सेकंड के फॉर्म में। वो कैसे होगा उसको ज़रा ध्यान से देखना। आई जो है, करंट जो है, वो किसके बराबर है, चार्ज बाई टाइम के बराबर है। और चार्ज को हम किस में डिनोट करते हैं, चार्ज का यूनिट जो होता है वो होता है कूलम्ब, जिसको हम डिनोट करते हैं किससे, सी से। और टाइम को किस में लिखते हैं हम, सेकेंड में। तो तुम्हारा जो करंट है वो किस फॉर्म में आ गया, करंट जो है वो कूलम्ब पर सेकेंड के फॉर्म में भी होता है। तो हम करंट को इस फॉर्म में भी डिनोट कर सकते हैं, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट करेंगे इलेक्ट्रिक करंट का मल्टीपल यूनिट और सब मल्टीपल यूनिट। मल्टीपल यूनिट में क्या होता है, देखिएगा, हम कभी कभी तुमको लिखा मिल जाता है 1 किलो एम्पियर या के ए। इसका मीनिंग होता है 1 × 10⁻³ एम्पियर। कहीं लिखा मिल जाता है 1 कैपिटल M A, इसका मतलब होता है 1 × 10⁻⁶ एम्पियर। ये मल्टीपल यूनिट्स हैं, या फिर हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट का ग्रेटर वैल्यू या लार्जर वैल्यू। दूसरा होता है हमारे पास सब मल्टीपल यूनिट। सब मल्टीपल यूनिट ये जो है वो स्मॉलर वैल्यू होते हैं, या लेसर वैल्यू हम बोल सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास होता है मिली एम्पियर के फॉर्म में, और मिली एम्पियर का मतलब होता है 1 × 10⁻³ एम्पियर। इसके नीचे आएगा 1 माइक्रो एम्पियर। माइक्रो एम्पियर का मतलब होता है 1 × 10⁻⁶ एम्पियर। ये सब मल्टीपल यूनिट है, और ये आपका मल्टीपल यूनिट है, मतलब ये जो है वो बिगर वैल्यूज़ हैं, और ये जो है वो स्मॉलर वैल्यूज या लेसर वैल्यूज भी हम इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा जिसको हम बोलते हैं 1 एम्पियर। क्या होता है 1 एम्पियर को हम डिफाइन कर सकते हैं, लिख लो इसको। इट इज डिफाइंड एज फ्लो ऑफ 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज इन 1 सेकेंड। इसको अगर जरा फॉर्मूला से समझें तो वो ध्यान देना। करंट जो है वो होता है चार्ज पर यूनिट टाइम। देखिए करंट को वो क्या बोल रहा है, करंट कितना होना चाहिए, 1 एम्पियर।
करेंट होना चाहिए 1 एम्पियर। 1 एम्पियर का मतलब क्या है कि अगर 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज 1 सेकेंड में किसी कंडक्टर से फ्लो कर गया तो उसको हम क्या बोल देते हैं कि 1 एम्पियर ऑफ करेंट के वो क्या है, इक्वल है। इसको नोट कर लीजिएगा, हम इसको ये भी लिख सकते हैं 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम्ब पर सेकेंड या फिर 1 कूलम्ब सेकेंड इनवर्स 1। कर दूंगा, ये एक न्यूमेरिकल है, जरा इसको देख लीजिए एक बार। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू अ सर्किट व्हेन अ करेंट ऑफ 0.55 एम्पियर इज ड्रॉन बाय द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 5 मिनट्स। न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले लिस्टिंग कर लेते हैं हमें क्या क्या गिवन है। तो हमारे पास दिया है व्हेन अ करेंट ऑफ 0.55 एम्पियर, मतलब करेंट क्या है हमको गिवन है 0.55 एम्पियर, इज ड्रॉन बाय द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 5 मिनट्स। टाइम भी हमको क्या है गिवन है, लेकिन टाइम मिनट में है तो मिनट को हमको किस में बदलना होगा, सेकेंड में। तो क्या करेंगे हम मिनट को सेकंड में बदलने के लिए, 60 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 300 सेकेंड्स हो गया। हमको निकालना क्या है, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब हमें निकालना है क्यू। फॉर्मूला आपको याद है, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है I इक्वल टू क्यू बाई टी। इसी फॉर्मूला का यूज करके आप जो है इसको सॉल्व कीजिए और इसका आंसर जो है वो हमारे कमेंट सेक्शन में सेंड कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। इस न्यूमेरिकल यहाँ से उसका वैल्यू आ जाएगा, आप उस वैल्यू को कैलकुलेट कर ले और कैलकुलेट करने के बाद जो भी उसका आंसर आता है उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में और वहाँ पे हम कवर करेंगे इसके आगे का टॉपिक जो कि है पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अगर आपको ये अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।